विभाग ने 2024 के लिए मानसून का पहला पूर्वानुमान जारी किया है और आईएमडी का कहना है कि इस साल सामान्य से बेहतर मानसून की उम्मीद है। जून से सितंबर तक एलपीए यानी लॉन्ग पीरियड एवरेज 106% रह सकता है। हालांकि इससे पहले स्काईमेट की तरफ से जो हमने फोरकास्ट आते हुए देखी थी उसमें सामान्य मानसून का अंदेशा था, उन्होंने 102% ऑफ एलपीए कहा था। ऐसे में देख के मानसून को क्या स्थिति बन सकती है, फसलों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, किस तरह से इस सीजन में हमें एंटर करना चाहिए, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं फॉर्मर एग्रीकल्चरल सेक्रेटरी सिराज हुसैन, साथ ही जुड़ेंगे पृथ्वी फिनमार्ट के मनोज कुमार जैन। लेकिन सबसे पहले आपको सुनवाते हैं कि आईएमडी ने एग्जैक्टली क्या कहा। 2020-24 साउथ वेस्ट मानसून सीजनल, दैट मींस जून टू सेप्टेम्बर रेनफॉल ओवर द कंट्री एज ए होल इज मोस्ट लाइकली टू बी अबव नॉर्मल एंड हायर, above normal and higher, and quantitatively it is around likely to be about 106% of long period average. The long period average is more than 104 to 110%, and this as you all know that the long period average total annual rainfall is average about 87 centimeters. तो वो अनुमान यहाँ पर आईएमडी की तरफ से आता हुआ। सिराज जी, अगर स्काईमेट देखें तो 102 विच इज नॉर्मल और 106 इज थोड़ा सा ऑन दी अबव नॉर्मल साइड यहाँ पर है, यानी कि मानसून में अच्छी खासी एक्सपेक्टेशन है। ऑफकोर्स आईएमडी ने अपनी डिटेल्ड एनालिसिस में ये भी कहा है कि जो ईस्ट है और नॉर्थ ईस्ट है वहाँ पर इस बार कम बारिश रह सकती है, लेकिन बाकी ज़्यादातर हिस्सों में बारिश यहाँ पर बेहतरीन रहने की उम्मीद है। इनिशियल फोरकास्ट है, लेकिन एक पॉजिटिव है कि द प्राइवेट एजेंसी और सरकारी एजेंसी दोनों को यही लगता है कि बारिश इस बार बेहतर है। देखिए, ये बहुत अच्छी खबर है कि स्काईमेट और आईएमडी दोनों ने जो फर्स्ट फोरकास्ट है वो अच्छा इशू किया है, लेकिन ये हमें याद रखना चाहिए कि मानसून साइंस में प्रेडिक्टेबिलिटी 100% एक्यूरेट नहीं होती है। ये असेसमेंट है डिफरेंट मॉडल्स के जरिए, और मैं याद करता हूँ 2015 जब हम एग्रीकल्चर सेक्रेटरी थे तो स्काईमेट ने 102% मानसून का प्रोजेक्शन किया था और मानसून एक्चुअल में निकला 86%। तो ये काफी इसमें वेरिएशन होता है, और जैसा कि हमने देखा कि लास्ट ईयर भी 96% का फोरकास्ट था आईएमडी का, 94% मानसून हुआ भी पूरे देश के एवरेज अगर निकालें, लेकिन कई राज्य ऐसे थे, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट ऐसे थे जहां पर बहुत डिफिशियंसी हुई, और कर्नाटक और महाराष्ट्र में हम अभी तक देख रहे हैं उसके असरात हैं। तो हम ये समझते हैं कि अच्छी एक खबर है, लेकिन स्टेट्स को फिर भी प्रिपेयर करना चाहिए कम मानसून के लिए कुछ जिलों में। सिराज जी, जैसे कि कुछ एरियाज में यहाँ पर कहा भी गया है, सदर्न पेनिनसुला, वेस्ट और ज्यादातर इलाके बेहतर बताए जा रहे हैं। आईएमडी ने कहा है कि नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट में यहाँ पर कम बारिश रह सकती है, तो कितना चिंताजनक ये है एज एन एग्रीकल्चर? देखिए, पिछले 2 साल से ईस्ट इंडिया में बारिश नॉर्मल से और एक्सपेक्टेशन से कम हो रही है। 2022 में अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश के बहुत सारे जिले अफेक्टेड थे, बिहार बहुत अफेक्टेड था, झारखंड के बहुत सारे जिले प्रभावित थे, 2023 में भी इसी तरह की स्थिति थी, शॉर्टफॉल था। और पंजाब हरियाणा में नॉर्थ वेस्ट में अगर बारिश कम होती है तो रिचार्ज पे असर पड़ जाता है, हालांकि फसल की प्रोडक्शन पे असर नहीं पड़ता है क्योंकि वो ग्राउंड वाटर यूज कर लेते हैं या कैनाल वाटर यूज कर लेते हैं। नॉर्थ में सिचुएशन बहरहाल इस साल बेटर है क्योंकि रिजर्वॉयर्स की स्थिति अच्छी है, लेकिन साउथ इंडिया में रिजर्वॉयर्स भी काफी खराब हालत में है, तो इसलिए साउथ में अच्छी बारिश होना जरूरी है और उसके लिए किसान खास तौर से इंतजार कर रहे हैं। सिराज जी, एक और इंपॉर्टेंट चीज, ऑफकोर्स जो ज्योग्राफीज अभी तक एज ऑफ नाउ क्लैरिफाई हो गई हैं उसके ऊपर तो नजर रहेगी ही, सरकारें उसके ऊपर काम भी करेंगी जो राज्य की हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज जो हम और आप बहुत पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं वो है मानसून के गैप्स। जब बारिश होती है और फिर बहुत लंबे पीरियड के लिए एक सूखा सा पड़ जाता है और उसके बाद उस एरिया में उस टाइम में फसल में क्या होता है, तो हम आईएमडी और स्काईमेट दोनों से समझने की कोशिश कर रहे थे। क्या हमें वो भी चीज समझ में आती है कि जून के कितने दिन में बारिश होगी, फिर कब डिप होगा, जुलाई में कितने दिन बारिश होगी, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि वो अभी एक्सपर्टीज अभी तक डेवलप नहीं हुई है। बिल्कुल सही है ये, जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि मानसून साइंस में काफी तरक्की हुई है, गवर्नमेंट ने आईएमडी को बेटर बनाने में बहुत इन्वेस्टमेंट किया है। पार्लियामेंट की एक स्टैंडिंग कमेटी थी, उस स्टैंडिंग कमेटी की रिकमेंडेशंस पे आईएमडी ने अपने मॉडल्स पे बहुत सारी तब्दीलियां की हैं और डायनेमिक मॉडल उन्होंने डेवलप किया है, लेकिन उसके बावजूद ये कहना बहुत मुश्किल है कि वीक बाय वीक फोरकास्ट आईएमडी कर सके या स्काईमेट कर सके, तो उसके लिए
ये जरूरी है। मैंने जुगल मोहपात्रा जो पहले रूरल डेवलपमेंट सेक्रेटरी थे, हमने उनके साथ मिलकर एक आर्टिकल भी लिखा था। ये हम समझते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट्स को ये चाहिए, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट तो इलेक्शन में बिजी है और इस वक्त उनके लिए कुछ भी करना बहुत मुश्किल है, तो स्टेट्स को ये चाहिए कि वो एनआरईजीएस के अंतर्गत जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है इरिगेशन में, 70% इन्वेस्टमेंट इरिगेशन रिलेटेड स्ट्रक्चर्स पे करने की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इंस्ट्रक्शंस हैं, तो उसकी इफेक्टिवनेस को इवेल्युएट करने के लिए अभी से स्टेट गवर्नमेंट्स को तैयारी करनी चाहिए। सिराजी, अब क्या ये मान के चलें कि ऑफकोर्स इस साल की शुरुआत एग्रीकल्चर कमोडिटी प्राइसेस के लिहाज से ठीक ठाक हुई है, सरकार की काफ़ी कोशिशें भी रही हैं कि भाव यहाँ पर बहुत ऊपर ना चढ़ें, एक अच्छा मॉनसून क्या मायने रख सकता है ऑफकोर्स आगे जाके जो सरकार की नीतियाँ हैं या इलेक्शंस के बाद क्या कुछ देखने का मिलेगा उसके ऊपर और आगे जाकर प्राइसेस के लिहाज से? देखिए, हम तो ये उम्मीद करते हैं और कि अगर मॉनसून अच्छा होता है तो गवर्नमेंट ने जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं, तरह तरह की रिस्ट्रिक्शंस, स्टॉक लिमिट्स, स्टॉक डिक्लेरेशन, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के तहत मुख्तलिफ एक्शंस, एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस, तो उनमें कुछ रिलैक्सेशन मिलेगा। मगर उसके साथ ही एक चीज जिसपे अभी फिंगर्स क्रॉस्ड है इंडस्ट्री की, वो ये है कि अगर ये रिस्ट्रिक्शंस हटती भी हैं तो भी क्या एक्सपोर्ट, सारा एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट एनसीईएल के थ्रू चैनलाइज होगा या वापस प्राइवेट कंपनीज को ये इख्तियारात दिए जाएंगे कि वो सीधे एक्सपोर्ट कर सकें? जी हाँ, एब्सोल्युटली, वो डिबेट यहाँ पर काफ़ी एरियाज में, लेवल्स पे सुनने को यहाँ पर मिल रहा है, लेकिन जिस तरह की स्थिति एज ऑफ नाउ बनी हुई है सिराजी, चाहे वो गेहूं है जहाँ पर हमने प्रोक्योरमेंट आते हुए देखी है, प्राइवेट ट्रेड से ज़्यादा सरकार करे ये प्राइवेट ट्रेड अभी यहाँ पर इंतजार कर रहा है, खाने के तेलों में सडनली एक प्राइस सर्ज यहाँ पर बनता हुआ अब नज़र आया है, साथ ही दालों को लेकर चिंताएं अभी भी यहाँ पर बनी हुई हैं, कैसे देखते हैं आप ये वेरियस सेक्टर्स? देखिए, अगर मानसून का बिहेवियर अच्छा रहता है, खास तौर से उन स्टेट्स में जहां पर तूर की पैदावार होती है, सोयाबीन होती है, उड़द होती है, साउथ इंडिया की स्टेट्स हैं, सेंट्रल इंडिया है, तो हम समझते हैं कि थोड़ा सेंटिमेंट पे भी असर पड़ेगा। और गवर्नमेंट ने बहुत प्रोएक्टिवली कई कंट्रीज के साथ एमओयू पहले से किए थे 2018-19 में, और अब भी ऐसी न्यूज़पेपर्स में रिपोर्ट छप रही है कि और नए कंट्रीज के साथ एमओयू हो रहे हैं। हालांकि पल्सेस के प्रोडक्शन में बहुत इजाफा हुआ है, 18 मिलियन से बढ़ के 26 मिलियन तक हम पहुंचे हैं, लेकिन उसके बावजूद डिमांड भी बढ़ रही है, तो हम समझते हैं कि अगर मानसून अच्छा होगा तो प्राइसेस मॉडरेट रहने चाहिए और इम्पोर्ट ड्यूटी भी गवर्नमेंट ने काफी कम की है। कुल मिला के हम कह सकते हैं कि मानसून के बहुत पॉजिटिव इफेक्ट्स एग्रीकल्चर पे और प्राइसेस पे देखने को मिल सकते हैं। तो एज ऑफ नाउ यहाँ पर ऑफकोर्स आशा यही है कि सरकार कुछ और इन्वेस्टमेंट्स करे जहाँ तक मॉनसून स्टडीज़ की बात है, और दूसरी बात कि सेंटिमेंट इंप्रूव यहाँ पर डेफिनेटली होता हुआ नजर आएगा, और एज एंड वेन वो मंथ्स हम पास होता हुआ देखेंगे, जून, जुलाई एंड अगस्त, बाय देन एक क्लैरिटी भी आ जाएगी, इलेक्शन भी हो चुके होंगे, फसल के ऊपर भी एक क्लैरिटी होगी, बुआई पर भी, और ऑफकोर्स ये मेजर्स कितने आगे चलते हैं उस पर भी नजर की नज़र। बहुत शुक्रिया सिराजी आपका साथ जुड़ने के लिए, और आपसे ऑफकोर्स दोबारा जुड़ेंगे एज एंड नाउ यहाँ पर कोई खबर निकलती है एग्रीकल्चर में तो, लेकिन एज ऑफ नाउ यहाँ पर एक ब्रेक का समय है, ब्रेक